सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने वही माइनक्राफ्ट जो आप, तो इस वीडियो में हम आपको वो माइनक्राफ्ट दिखाएंगे जो हमने दिखाने का वादा किया था। तो पिछली वाली वीडियो में थोड़ा अच्छा भी रिस्पॉन्स आ गया, 7 व्यूज़, इसीलिए वीडियो में ला रहा हूँ वापस से। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको माइनक्राफ्ट दिखा देता हूँ। तो यही कहीं था वो माइनक्राफ्ट। वो उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ हमारे टूर्नामेंट के बारे में जो कैस्टल क्रैश में होने वाला है, जो कि काफ़ी जल्दी ही आने वाला है। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, वो जल्दी आएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में तो अभी तक वो हमें मिल गया माइनक्राफ्ट, यही है वो माइनक्राफ्ट जो मैंने आपको दिखाने का कहा था। तो ये काफ़ी बड़ा भी है, तो आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा पूरा बहुत बड़ा है, ये इतना बड़ा है कि थैनोस का चाचा भी इसमें चला जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो हम थैनोस के चाचा नहीं पापा हैं, तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं घूमा था तो मुझे एक स्पाइडर की स्पॉनर मिली थी। तो मैं सोच रहा हूँ एक्सपी फार्म मेरा जो बिल्कुल काम नहीं करता, नल्ला है, नकारा है, सोता रहता है, अब उसको मैं जॉबलेस करने वाला हूँ। क्योंकि अब मैं एक नए आदमी को हायर करने वाला हूँ जिसे स्पाइडर स्पॉनर से हम बनाएंगे एक नया एक्सपी फार्म। क्योंकि एक्सपी फार्म की हमारे पास बहुत कमी है, किल्लत है, और हमें एक्सपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम अपना डायमंड आर्मर अगले एपिसोड में बनाएंगे। तो स्केलेटन भैया अभी चौड़े हो रहे हैं, तो इनको हम इन्हीं के दादा परदादा के पास पहुँचा देते हैं, जिन्हें हम बहुत बार पहुँचा चुके हैं। तो अभी मैं स्टोन की स्वॉर्ड से लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी आयरन की स्वॉर्ड काफ़ी डैमेज है, आप देख सकते हैं। तो मैं आयरन से नहीं लड़ूंगा। तो मैंने यही कहीं एक स्पाइडर का स्पॉनर पे देखा था। तो यहाँ पर मैं एक बार आ चुका हूँ, ये ग्रास देख के समझ ही सकते हैं, लीफ। तो ये आयरन मैं माइन कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों बो मार रहा हूँ। मैं भी प्ले करते समय नहीं डालता, तो एडिट करते समय ही डालता हूँ अपनी वॉइस, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है, तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। तो यहाँ पर हम पहले चलते हैं ऊपर ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें बहुत सारा काम भी करना है और इस स्केलेटन्स को भी मार देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ पर लावा, ये थोड़ा और आयरन मिल गया, तो हम इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आयरन को हमने कलेक्ट कर लिया, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि ज़्यादा देर इससे ऐसी जगहों पर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा भी इम्पेक्ट पड़ने लगता है उन्हीं की तरह। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहीं कहीं मैंने वो स्पॉनर भी देखा था। तो आई थिंक इस तरफ था वो, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने ग्रास लीफ लगाया था उस तरफ, तो यही है वो ग्रास लीफ। तो देखते हैं कहाँ है, आगे चलते हैं, यहीं कहीं होना चाहिए उसको। क्योंकि वो स्पॉनर पूरा जालों से घिरा हुआ था, कॉबवेब से, सॉरी तो मेरी इंग्लिश थोड़ी ख़राब है। तो आगे चलते हैं, तो ये रहा, मिल गया स्पॉनर स्पाइडर का। तो पहले इस पर टॉर्च लगाते, नहीं तो स्पाइडर हमारा यहीं पर कब्र खोद देंगी और फिर हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ खेलना चाहते होंगे, शायद कोई नहीं कोई खेलना चाहता होगा। तो जल्दी ही इस पर भी मैं काम शुरू कर दिया हूँ, तो कुछ दिनों बाद मैं एक SMP बना दूँगा। तो अभी तो यही माइनक्राफ्ट की सीरीज ही आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने दो तरफ टॉर्च लगा दिए हैं और हमें कुछ और आवाज़ भी आ रही है, तो आगे चल के देखते हैं कहाँ से आ रही है आवाज़, और इस आवाज़ को थोड़ा शांत कर देते हैं। तो यहाँ पर एक और माइनक्राफ्ट, बहुत बड़ी माइनक्राफ्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे घर के जस्ट नीचे ही है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आप इसका देख सकते हैं और मेरे घर का भी कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, घर का कोऑर्डिनेट्स भी आप देख सकते हैं। तो ये एक और, ये हाँ ये एक और है, ये वो वाला नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ दो स्पॉनर है, एक ये रहा है, एक वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। तो ये दो स्पॉनर हैं, और थोड़ा और आवाज़ आ रहा है, ये कौन सा, ये किस चीज़ का स्पॉनर है, ये तो मैंने, ये स्केलेटन का स्पॉनर है, मिल गया मुझे, काफ़ी रेयर होता है, क्योंकि जॉम्बी उम्बी का मिलता है, स्केलेटन का बहुत कम मिलता है। तो पहले इनको ख़त्म करते हैं, और ये कुछ ज़्यादा ही मार रहे हैं, और मैं PvP में नूब ही हूँ, बॉट नहीं हूँ। तो पहले इनको ख़त्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी फ़ौज बुला रहे हैं भाई, अरे भाई वर्ल्ड वॉर करोगे क्या मेरे साथ, मैं गया।
मैं गारंटी गया, अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं गया भागना पड़ेगा मुझे, भागना भागूंगा नहीं मार डालूंगा। मेरी बो बहुत ख़तरनाक है पर मेरी सील टूट जाएगी जल्दी ही। मेरी स्वॉर्ड आप जानते हैं बहुत ख़त्म हो चुकी, पहले यहाँ पर टॉर्च लगा देते नहीं तो ये हमारा कबाब बना डालेंगे। तो आप पहले इसकी पूरी लूट देख लेते हैं। गोल्डन एन्चांटेड, ओ भाई साहब गोल्डन एन्चांटेड एप्पल, भाई क्या बोलें भाई, ये क्या मिल गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बहुत सही, अब थोड़ा मज़ा आ रहा है वीडियो में, मैंने तो इसे देखा भी नहीं था। आयरन भी मिल गया, हमारे पास आयरन की कमी भी है क्योंकि हमारा एनविल टूट चुका है तो हमें नए एनविल की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर वही रॉटन प्लेस जिसका हमें कोई काम नहीं है, तो हम इसको यहीं फेंकेंगे। तो ये क्या, ये कैसे स्पॉन हो रही है, एंडरमैन, ये इनसे पंगा नहीं लूँगा। यार ये कैसे स्पॉन हो रही है, वो भी ये पॉइजनस पॉइजन देती है। तो यहाँ से आगे ख़त्म हो चुका है माइनसाफ, तो यहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे, और पहले हम एक सील्ड बना लेते हैं क्योंकि हमारी सील्ड लिटरली टूट चुकी है। ये क्या है भाई, ये क्या है, खुद ही देखो ये क्या क्या है, ये कोई आदमी गोल्डन एन्चांटेड एप्पल्स इसे बनाएगा नहीं, इसे लिटरली इसे मैं क्यों बनाऊँगा भाई। तो बुक्स तो मैं बनवाऊँगा, अभी नहीं बनवाऊँगा क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है। तो पहले वुड ले लेते हैं यहीं से क्योंकि हमें क्राफ्टिंग टेबल बनाना है, तो हम पहले यहाँ से वुड ले लेते हैं। तो हमने वुड ले लिया, लेकिन तीन ही वुड है, हमें काफ़ी वुड की ज़रूरत है क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल चार वुड प्लैंक्स में बनता है, तो हमारे पास बहुत कम ही वुड प्लैंक्स हैं। तो चलते हैं हम वुड प्लैंक्स लेने। तो वुड प्लैंक्स लेने के लिए हम पहले चलेंगे यहाँ से ही ले लेते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि थोड़े बहुत तो यहाँ से ही ले लेने चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। और मैंने नीचे वुड के वो ट्रीज़ देखे थे, वुड देखे थे, प्लैंक्स नहीं वुड देखे थे। तो पहले ये रहा, तो इससे मुझे काफ़ी वुड मिल जाएगा, चार ही मिलेगा, चार मिल जाएगा तो चार से काम हो जाएगा। पर पता नहीं क्यों मैं प्लैंक्स ही जमा किया। तो क्राफ्टिंग टेबल मुझे ये मिल गया, तो मैं सील्ड यहीं से बना लूँगा। तो सील्ड मिल गया तो अब यहाँ से चलते हैं, बेकार में यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहले तो फिर हमें थोड़ी वुड्स की ज़रूरत है, तो हम वुड्स भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो वुड हम कलेक्ट करेंगे क्योंकि इस बार वुड प्लैंक नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री में जगह हो या ना हो हमें करना पड़ेगा खाली, क्योंकि आली आली रे आली तेरी सामत आली, और वो सामत आएगी, अभी तक तो आने वाली थी स्पाइडर पे, पर स्पाइडर की किस्मत अच्छी है तो हम उसे थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अब हम इस पूरी जगह को साफ़ करके यहाँ पर हम बनाएंगे अपना एक्सवी फार्म। तो पहले इस पूरी जगह को देख लेते हैं क्योंकि बाद में ये देखने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि हम इसको पूरा का पूरा एक्सवी फार्म बना के आपको मिलते हैं। और तब तक मैं वीडियो बंद कर दूँगा क्योंकि ये सब चीज़ मैं नहीं दिखाता, मैं डायरेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा बना दिया है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, रोशनी कम है। तो ये रहा पूरा एक्सपी फार्म, तो मैं आपको नीचे चल के दिखा देता हूँ। तो नीचे तक मैंने ऐसे पूरा लैडर लगा दिया है। तो ये है वो जगह जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पता नहीं क्यों टॉर्च ही तोड़ दी, क्योंकि स्पॉन कम हो रहे थे। तो यही है वो जगह जहाँ पर ये सारे स्केलेटन्स आएंगे। तो इन सारे स्केलेटन्स को मार के यहाँ पर हमें बो और एरो भी मिलेगी। तो फिर हम लगाएंगे यहाँ पर सीढ़ियाँ क्योंकि चढ़ने में दिक्कत ना हो, ताकि तो सीढ़ियाँ लगा के मिलते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ लगाने में दिक्कत होती है, तो लगा दिया सीढ़ियाँ हमने। तो यहाँ कुछ स्पॉनर के ऊपर हो जा रहे थे खड़े, तो इनको भगाना ज़रूरी था, तो इनको हम भगा दिए। तो इसको हम अभी और हाईटेक बनाएंगे, अभी हाईटेक नहीं है क्योंकि अभी धीरे धीरे स्पॉन कर हो रहे हैं और हमें बार बार ऊपर भी आना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को फिक्स करेंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम की कमी है, थोड़ी किल्लत भी है।
तो पहले देख लेते हैं 1 मिनट तक खड़े होके कितना स्पॉन होते हैं, तो तब तक मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। तो फिर देखते हैं हमें कितना स्केलेटन्स मिले मारने के लिए। तो नीचे चलते हैं, हमें देखते हैं कितने स्केलेटन्स मिले। तो हमें बहुत सारे स्केलेटन्स मिले हैं, तो इन्हें मार लेते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। तो आई होप आप मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।